इवन मई जून की गर्मी और बच्चों का डायरिया दस्त उल्टी स्टार्ट हो जाता है, तो कैसे पता करेंगे कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है कि ये उसकी नॉर्मल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो गई है गर्मी की वजह से। तो पहले तो आपको बता दूं, जो 6 महीने से नीचे बच्चे रहते हैं, यानी 1 दिन का बच्चे से लेकर 6 महीने तक अगर सिर्फ माँ के ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो वो चाहे 10 बार करें 20 बार करें, वो डायरिया नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आपने पानी पिलाया है, दादी नानी ने जो है उसको शहद चटा दिया है, ग्राइंड वाटर पिला दिया है, तो उसको डायरिया हो। अगर बच्चे के लैट्रिन में खून आ रहा है या ब्लड आ रहा है या फिर काला हो गया है, समझ रहे हैं, और या बलगम जैसा हो रहा है, म्यूकस आ रहा है, तब तो समझिए इन्फेक्टिव डायरिया है, नहीं तो 70% टाइम में वायरल डायरिया होता है, मोस्टली रोटा वायरस की वजह से। अब तो उसका टीका भी आ गया है, ओरल जैसे पोलियो होता है वैसे रोटा वायरस के डायरिया का टीका जो है पिला देते हैं, तो उन बच्चों को डायरिया कम फ्रीक्वेंसी होती है। एनीवे, आपका बच्चा अगर डायरिया कर रहा है तो क्या करें और क्या ना करें, क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। कौन सी दवा दे, गाँव में जो है मेट्रोजिल और एंटीबायोटिक बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है, वो वायरस है। इसी तरह से डायरिया भी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, 70% डायरिया जो होता है वायरल की वजह से होता है, उसमें एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं। क्या करना है, तो ORS जरूर देना है, ORS और जिंक, यही दो दवा जो जरूरी है वो देना है। 6 महीने से ऊपर जो भी बच्चे हैं, सिरप जिंक ZN20 होता है, जिंकोनिया होता है, कोई भी जिंक का सिरप हो जिसमें 5 ml में 20 mg हो, वो आप 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, 5 ml दिन भर में एक बार दे सकते हैं। थोड़ी कड़वी होती है वो, कभी कभी बच्चे को टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो 1 ml दिन भर में 5 बार दे सकते हैं, किसी चीज में खाने में मिला के दे सकते हैं, दूध में डाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो जिंक देना है, ORS देना है। बहुत से बच्चे ORS नहीं पीते हैं, अगर आपका बच्चा ORS नहीं पी रहा है तो पानी पिला के चुटकी भर नमक उसको चटा दीजिए। घर में ORS कैसे बनाएं, उसके लिए आप 200 ml पानी का एक ग्लास पानी लीजिए, 1 चम्मच चीनी डालिए और 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी नमक डालिए, वही ORS बन गया। तो घर का ORS आपने उनको खिल पिला दिया, फिर भी नहीं उसको बच्चे को पसंद आ रहा है, तब क्या करें, तो ORS का क्या सब्स्टिट्यूट होगा, चावल लीजिए, उसको धोल के उबाल लीजिए, थोड़ा ज्यादा पानी डालिए, गांव में हम लोग जो है माड़ कहते हैं उसको, यानी चावल के ऊपर का पानी ले लीजिए, मतलब चावल उबालने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एनर्जी बच्चे को मिलेगी और ORS से अच्छा माना जाएगा क्योंकि उसे नमक भी मिल जाएगा, तो आप माड़ दे सकते हो। फिर छाछ, छाछ एक ऐसी चीज है जो उसमें आपको नमक भी मिल जाएगा, चीनी भी मिल जाएगी और प्रोबायोटिक भी मिल जाता है। आपको बहुत से, आपको जो पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा, जब डायरिया होता है तो डॉक्टर अक्सर प्रोबायोटिक लिखते हैं, या इंट्रोजर्माइना इंट्रो की बोतल लिखते हैं जिसको पिलाया जाता है बच्चों को, या शैशे लिखते हैं जिसको दूध, मतलब पानी या दूध में मिक्स करके पिलाया जाता है, तो अगर छाछ देंगे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये छाछ हो गया, ORS घर में बना लिया। इसके अलावा नारियल पानी अगर आप कहीं से मिल जाए तो नारियल पानी भी आप उसको दे सकते हैं, जिसमें पोटेशियम होता है, बच्चों को मदद करेगा। सूप बना लीजिए, समझ रहे, सूप में थोड़ा धनिया वनिया डाल के अच्छा टेस्ट बना के सूप पिला दीजिए, वो भी ORS की तरह काम करेगा। मतलब कैसे भी करके आपको लिक्विड जानी है, जितनी बार बच्चा दस्त कर रहा है उतनी बार 50 से 100 ml तक उसको पिलाना ही पिलाना है। बड़े बच्चे हों तो 10-15 ml पर kg पर स्टूल कहते हैं, मतलब 10 बार स्टूल करेगा, अगर 20 किलो का बच्चा है तो करीब करीब 300 से 400 ml को उसको पिलाना पड़ेगा। छोटे बच्चे को 50-100 ml हर स्टूल के बाद जाना चाहिए। अच्छा, बहुत कॉमन है कि मतलब दस्त के साथ साथ उल्टी होती है, यूजुअली पहले उल्टी से स्टार्ट होता है और फिर दस्त होता है, तो उल्टी अगर हो रही है तो सिर्फ एमएसएट, सिर्फ EMESET यूजुअली ये दे सकते हैं आप, जो 2.5 ml से छोटा बच्चा है, अगर 5
दो साल से नीचे, अब बड़ा दो साल से ऊपर बड़ा बच्चा है तो 5 ml उसको जब भी उल्टी हो तो दे सकते हैं दिन भर में 3 से 4 बार। तो उल्टी की दवा भी मैंने आपको बता दी। अब क्या नहीं दें, क्या खाने में नहीं देना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा गाय भैंस का बाहर का जो दूध दे रहे हैं वो आप अभी कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए। और या डब्बे का भी दूध दे रहे हैं तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। यूजुअली होता क्या है कि जब भी बच्चे को एक्यूट गैस्ट्रोइंटाइटिस होता है तो लैक्टोज इनटॉलरेंस हो जाता है, यानी कि आप दूध जितनी बार देंगे उतना है उसका हील करने में, उसका दस्त बंद होने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए लैक्टोजन फ्री मिल्क आता है, 0 lac का डिब्बा होगा, सिमली आता है, वो सब आप ले सकते हैं। यही लैक्टोजन फ्री दूध आप मांग सकते हैं, वो आप पिला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं रोकना है। अगर छोटा बच्चा है सिर्फ ORS और ब्रेस्ट फीडिंग से ही काम चल जाएगा 6 महीने नीचे, बड़ा बच्चा है तो खिलाएंगे भी, ORS भी देंगे और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे। अगर 2 साल तक है, 2 साल के बाद के बच्चों को तो आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद करा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बार गांव में होता है कि कहते हैं खिलाओ मत बहुत ज्यादा, जितना खिलाते हो उतना ही दस्त हो रहा, तो खिलाने से क्या फायदा। तो आपको ये बता दूं कि आप जो खिला रहे हो वो नहीं निकल रहा है, वो तो इंटेस्टाइनल की एक्टिविटी से इंक्रीज सिक्रीशन की वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई है, तो खिलाना जरूरी है। तो खिलाते पिलाते रहिएगा उसको, क्या क्या खिला सकते हैं, किससे रुकेगा, तो मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी फायदा करती है। दाल दे सकते हैं, दाल का पानी भी ORS की तरह काम करता है, गाढ़ी दाल पिला सकते हैं आप। इसके अलावा जो है मैदे की रोटी फुलका बनाइए और उसको छील लीजिए और दाल में मैश कर लीजिए, उससे भी डायरिया रुकता है। केला दीजिए, केला भी मैश करके देंगे, उससे भी डायरिया रुकता है। दही खिलाइए, दही अगर बच्चे को थोड़ा घर, लेकिन मीठी दही हो, मीठी दही खिलाएंगे तो वो भी फायदा करती है, उससे भी बच्चों का डायरिया रुकता है। तो ये सारी चीजें करना है आपको, बाहर का दूध नहीं पिलाना है, जूस नहीं देना है, कोई भी फ्रूट जूस जगह मौसमी का जूस, संतरे का जूस, फल खिला सकते हो लेकिन जूस मना है। जितना जूस दोगे उतना बढ़ेगा, जितना स्वीटेंड कार्बोहाइड्रेट दोगे, जैसे पेप्सी हुआ, कोक हुआ, ये सब जो ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, वो सब आपको नहीं लेना है, ना पैकेट जूस भी लेना है, समझ रहे हैं, उससे भी आपका डायरिया बढ़ेगा। आपको घी तेल का ज्यादा इस्तेमाल करना है, बटर का ज्यादा इस्तेमाल करना है। चावल की खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा घी तेल डाल दीजिए। वो आलू को उबाल लीजिए, आलू को उबाल के उसको मैश कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी तेल डाल दीजिए और थोड़ा नमक डाल दीजिए, वो भी बहुत फायदा करता है। रोटी दाल में मैश कर दीजिए। अच्छा, मान लीजिए आपको लैक्टोजन फ्री मिल्क नहीं मिल रहा है, तब क्या करें, आपको बच्चा फिर भी दूध पीता है, तब क्या करें, चिड़चिड़ा है, दूध मांग ही जा रहा है और कुछ नहीं ले रहा है, तो दे सकते हैं दूध आप, लेकिन वो टोन्ड मिल्क मत लीजिएगा, फुल क्रीम वाला मिल्क लीजिएगा, समझ रहे, फुल क्रीम वाला, उससे जो है बच्चे को डायरिया कम रुक जाएगा। एंटीबायोटिक कब दें, एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ तभी देंगे जब खून आएगा उसमें, लूज स्टूल में, और या फिर म्यूकस यदि बलगम आएगा, उसके लिए आप उस वक्त डॉक्टर से कंसल्ट किएगा, वो देखेगा कौन सी एंटीबायोटिक की जरूरत है। एंटीबायोटिक की यूजुअली मैंने बता दिया है जरूरत नहीं है। बाहर बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप चाहे मेरे फेसबुक पे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या ट्विटर पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, सबका ID एक ही है, @DRKAFELELKHAN खान। थैंक यू। क्या क्या साइंस हैं जब हमको सोचना पड़ेगा कि हम डॉक्टर के पास लेके भाग जाएं, जिसको हम 10 साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी जब भी बच्चा उल्टी दस्त करता है तो उसके शरीर में सोडियम पोटेशियम पानी की कमी आने लगती है, इसीलिए जो है वो डेंजर साइन भी माँ बाप को पता होना जरूरी है। तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, आंख में देखना होगा, आंसू आना बंद हो जाएगा, बच्चा रोएगा लेकिन देर इज नो टीयर्स, सूख गई होंगी आंखें, आंखों में गड्ढे पड़ जाएंगे, मुंह पे आइए तो दिखिएगा जबान सूख जाएगी, सलाइवा जो निकलता है वो बंद हो जाएगा, बच्चा सुस्त पड़ जाएगा, चमड़ी स्किन जो है उसकी ठंडी हो जाएगी, अगर स्किन खींचेंगे
तो उसकी रिकॉइलिंग स्किन जो टर्गर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि आप खींचोगे तो पता चलेगा धीरे 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 वापस जा रही है, लूज हो जाएगी स्किन। कुछ बच्चों में जो है स्किन जो है पेल हो जाती, सफेद, अभी लाल है ना, फ्लश है, अब वो सफेद हो जाएगी, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोएगा, हो सकता है सुस्त हो जाए। छोटे बच्चे हैं तो डायपर उनका गीला नहीं होगा, अगर जब भी 6 से 8 घंटा पेशाब नहीं करें तो समझ जाइए कि बच्चा जो है डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। पेशाब उसको करते रहना है, इसीलिए बार बार गोरस पिलाते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, नहीं तो किडनी कभी कभी बच्चों में फेल हो जाती है। बहुत बार उल्टी करने से सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से कुछ बच्चों में झटका तक आ सकता है, सीजर आ सकता है, तो इसलिए सोडियम पोटेशियम ORS देना जरूरी है। तो अगर बच्चा सुस्त पड़ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है और ये जो साइन मैंने बताए हैं अगर वो हो रहा है तो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, हो सकता हो उसको जो कहते हैं ग्लूकोज, यानी कि डॉक्टरी मतलब लेमन लेवल में ग्लूकोज कहते हैं चढ़ाते हैं बॉटल से, या फिर नॉर्मल सलाइन या फिर रेंगल लैक्टेट वगैरह यानी फ्लूड्स जो है बच्चों को देना पड़ सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको कोई जानकारी मिली है तो मेरा ये मानना है कि नॉलेज देने से, नॉलेज किसी को बताने से नॉलेज बढ़ती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ तो मेरी नॉलेज बढ़ती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है, निवेदन है कि आप भी अपने लोगों को बताइए, अपने लोगों को जो आसपास के 10 लोग हैं, जो आपकी दोस्तें हैं उनको बताइए, ताकि कैसे पता हो कि ये चीज़ें कैसे करनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर कफील खान ऑफिशियल चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए जिसमें हम लोग नए नए वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू।